महोदय, विज्ञान एक रोमांचकारी विषय है। कोई नहीं जानता कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और अंत क्या है, अर्थात क्या चीज़ है जो विज्ञान के क्षेत्र में आती है और क्या है जो उससे बाहर है। हमें अपने लोगों को यही बताना है कि विज्ञान का प्रवेश हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में है। एक समय था जब लोग उतने ही पर विश्वास करते थे जिसको देखा या छुआ जा सकता था, लेकिन क्रमशः हमें पता चला कि हम जितने की खोज करते हैं उससे कहीं ज़्यादा की खोज संभावित रहती है। और जैसे जैसे हम नई खोज करते जाते हैं, हमारी जानकारी का क्षेत्र बढ़ता जाता है। और अगर मनुष्य के जीवन को सार्थक बनना है, तो उसे निरंतर खोज के उत्साह को बनाए रखना होगा। कुछ अनुसंधानों और उपलब्धियों के संबंध उच्चतर विज्ञान से हैं और कुछ का हमारी जनता की और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की तत्कालिक आवश्यकताओं से है। हमारे विश्वविद्यालयों में, प्रौद्योगिकी संस्थाओं में और अनुसंधान संस्थाओं में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन जैसा कि श्री हक्सर ने कहा है, समाज और समुदाय पर विज्ञान का समग्र प्रभाव वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, बल्कि वह होता है जिसे हम चाहते हैं। इसका कारण कुछ सीमा तो अतीत के साथ हमारा संपर्क है, जिसे हम प्रायः सीमित और संकीर्ण अर्थों में लेते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है, हमारे कुछ वैज्ञानिक जनता की तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए काम करने की बजाय उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें कि फैशनेबल या प्रतिष्ठा मूलक कहना चाहूँगी। मैं ऐसे अनुसंधान के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रायः उसी में से तत्कालिक समस्याओं के समाधान भी निकल आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तत्कालिक विषयों का हाल निकालने के क्रम में वैज्ञानिकों को प्रायः महत्तर सत्यों और आविष्कारों का पता चलता रहता है, फिर भी हमें अपने विश्वविद्यालयों को दिशा दिखानी है। विशेष रूप से उन्हें यह बताना है कि वे उन चीज़ों की और अधिक ध्यान दें जिनसे हमारी बहुसंख्यक जनता की स्थिति बेहतर बन सके। यद्यपि मैं चाहती हूँ कि हमारे वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों में प्रमुखता से भाग लें या विदेशों में सुअवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन मैं देखती हूँ कि उनका आवश्यकता से ज़्यादा समय केवल उन्हीं प्रयासों में लग जाता है जिससे उनके विद्यार्थी और कनिष्ठ लोग भी उनका अनुकरण करने की बात सोचते रहते हैं। इसी से विज्ञान और वैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। हम नहीं चाहते कि हमेशा के लिए पिछड़े रहें। हम विज्ञान के अल्पज्ञात क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी आदि के बारे में अनुसंधान के महत्व देते हैं, लेकिन हमें उतनी ही दिलचस्पी सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाले विकास और अनुसंधान में भी दिखानी चाहिए। इस उद्देश्य से हमें
ऐसी प्रक्रियाओं को विकसित करना होगा जो हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। समाप्त। हेलो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं।